अगर आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हो तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, देखिए आज के टाइम में किसी बिजनेस को अगर आप शुरू करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि पहले महीने से आपको प्रॉफिट होने लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है जब आप बिजनेस शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग के कुछ महीने आपको प्रॉफिट हो ही ना, या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। इसके साथ साथ जब भी आप नया बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको अपनी बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट करवानी पड़ती है, प्रमोशन करवाना पड़ता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, और उसके बाद में कस्टमर्स आपके यहाँ पे आते हैं और धीरे धीरे करके आपका बिजनेस सेट होने लग जाता है। अब दोस्तों अगर आप कोई ऐसे इंसान है कि जिसको इतना वेट नहीं करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा फ्रेंचाइजी का। आप किसी भी रेप्यूटेड कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा, आपको स्टार्टिंग से ही जमे जमाए कस्टमर्स मिल जाएंगे और पहले महीने से आपको प्रॉफिट होने लग जाता है। अब दोस्तों हो सकता है आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि फ्रेंचाइजी तो ले लें पर कौन सी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले। आप ही कोई ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी बताइए जिसके अंदर हमको कम इन्वेस्टमेंट करना पड़े और हम ज्यादा पैसे कमा सके, मतलब प्रॉफिट मार्जिन अच्छा खासा मिले। सो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कभी भी फ्रेंचाइजी लेते वक्त आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। आपको हमेशा यह चीज देखनी चाहिए जिस भी कंपनी की आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं या जिस भी सेक्टर के अंदर आप काम करना चाहते हैं, क्या उसके अंदर उतने ज्यादा कस्टमर्स हैं। अब दोस्तों मान लीजिए आपने किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली और वो आपको जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन भी दे रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास कस्टमर्स ही नहीं होंगे तो आप पैसे कैसे कमाएंगे। वहीं अगर आपको कम प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है लेकिन कस्टमर्स बहुत ज्यादा है फिर भी आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको जिस कंपनी की फ्रेंचाइजी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूं, वो कंपनी आपको ग्रोसरी से रिलेटेड फ्रेंचाइजी प्रोवाइड कर रही है और उस कंपनी का नाम है ग्रोसरी फॉर यू। देखिए दोस्तों एक चीज तो आप खुद जानते होंगे, ग्रोसरी एक ऐसी चीज है जो हमको रेगुलर बेसिस पे चाहिए होती है और आज के टाइम में ज्यादातर लोग ग्रोसरी खरीदने के लिए सुपरमार्केट में विजिट करना पसंद करते हैं। अब वहां पे क्यों जाते हैं, क्योंकि सुपरमार्केट में हमेशा कोई ना कोई सेल चलते रहता है, कोई ना कोई डिस्काउंट चलते रहता है, तो उससे कस्टमर को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। देखिए दोस्तों आज से कुछ सालों पहले तक इंडिया के अंदर सुपरमार्केट का उतना ज्यादा ट्रेंड नहीं था, लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे सुपरमार्केट मिल जाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं जो सुपरमार्केट से ही सामान खरीदना पसंद करते हैं और आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे सुपरमार्केट की संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। और ये जो इंडस्ट्री है वो लगातार ग्रो करती जा रही है, 2024 तक ये इंडस्ट्री हो जाएगी $790 बिलियन की। सो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं अगर आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं तो डेफिनेटली आप पैसे कमा पाएंगे, कस्टमर्स भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों ग्रोसरी फॉर यू जो कंपनी है वो आपको सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अगर आप ग्रोसरी फॉर यू की सुपरमार्केट फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्या क्या सपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलने वाला है, आपको इसी कंपनी की फ्रेंचाइजी क्यों लेनी चाहिए, साथ ही साथ में कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, ए टू जेड पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो बेल आइकन से भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। हे दोस्तों मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने से पहले हमको उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ग्रोसरी फॉर यू के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। देखिए दोस्तों ग्रोसरी फॉर यू इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग सुपरमार्केट चेन में से एक है। इनकी शुरुआत आज से 3 साल पहले हुई थी और ये अपने सर्विसेज और सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं और आज के टाइम में ये पैन इंडिया लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर मैं इनके स्टोर्स की बात करूं तो 100 से भी ज्यादा स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया में इनके अवेलेबल हैं और दोस्तों 2023 के खत्म होते होते ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग एफएमसीजी कंपनी में से एक बन जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण है इनकी अफोर्डेबिलिटी और कन्वीनियंस। देखिए दोस्तों आज से कुछ सालों पहले तक सुपरमार्केट ओपन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती थी क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस लगते थे, लेकिन ग्रोसरी फॉर यू के आने के बाद में आज के टाइम में अगर कोई भी आदमी बिजनेस शुरू करना चाह रहा है या फिर अपना खुद का सुपरमार्केट शुरू करना चाह रहा है तो वो इनके साथ जुड़ सकता है, आसानी से इनकी फ्रेंचाइजी लेकर अपना सुपरमार्केट शुरू कर सकता है। इसीलिए आज के टाइम में इंडिया में ऐसे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने इनकी फ्रेंचाइजी ली हुई है और हर महीने का वो अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। सो दोस्तों अगर आप भी अपना खुद का सुपरमार्केट शुरू करना चाहते हैं और जबरदस्त पैसे कमाना चाहते हैं तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि मार्केट में तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ग्रोसरी की या फिर सुपरमार्केट की फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है, तो हम उनकी फ्रेंचाइजी क्यों ना लें, इनकी क्यों ले। सो दोस्तों इसके भी कुछ रीजंस मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला रीजन, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। देखिए दोस्तों अगर आप इनके साथ जुड़कर अपना सुपरमार्केट शुरू करते हैं तो आपके आउटलेट के ऊपर इतने वैरायटी के प्रोडक्ट होंगे कि एक बार कस्टमर आ गया तो वो वापस जाएगा नहीं, उसको एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे उनके ऊपर आपको जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन भी मिलने वाला है। अब आपको ये
अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कैसे प्रोवाइड कर पाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। और ये बन जाता है दूसरा रीजन, लो प्राइस। देखिए ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदते हैं, बीच में जो एजेंट्स होते हैं उनसे नहीं खरीदते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। और जब इनको अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो ये अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे रेट में प्रोवाइड कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने कस्टमर्स को भी बेस्ट प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड कर पाते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक चीज आप खुद जानते होंगे, अगर आपके सुपरमार्केट में कस्टमर्स को सारे प्रोडक्ट बेस्ट प्राइस में मिलेंगे तो वो बार बार आपके आउटलेट पे आना पसंद करेंगे। तीसरा रीजन है सप्लाई चेन पंक्चुअलिटी। देखिए दोस्तों जब आप इनकी फ्रेंचाइजी ले लेंगे तो आपके सुपरमार्केट पे अगर कोई भी सामान खत्म हो जाता है तो वो आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे इनकी तरफ से पहुंचा दिया जाएगा, उसके लिए आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। चौथा रीजन मार्केटिंग एंड प्रमोशन। देखिए दोस्तों ये अपने ब्रांड की इतनी ज्यादा मार्केटिंग करते हैं कि सभी कस्टमर्स को इनके बारे में पता होता है, और साथ ही साथ में ये अपने आउटलेट के अंदर ऐसे ऐसे ऑफर्स चलाते हैं कि कस्टमर्स कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो खरीद ही लेते हैं। तो अगर आप भी इनके साथ जुड़कर सुपरमार्केट ओपन करते हैं तो आपके आउटलेट के ऊपर भी ऐसे ऐसे ऑफर्स होंगे कि कस्टमर्स वहां से कुछ ना कुछ तो खरीद के जाएगा ही जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, चलिए उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला बेनिफिट, आपके सुपरमार्केट की ब्रांडिंग और प्रमोशन के लिए कस्टमर्स को अट्रैक्टिव ऑफर्स और डिस्काउंट दिए जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके आउटलेट पे आ सकें और सामान खरीद सकें। दूसरा बेनिफिट, ग्रोसरी फॉर यू की तरफ से आपको वेल ट्रेन स्टाफ और मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। तीसरा बेनिफिट, ये परफॉर्मेंस के हिसाब से इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके सुपरमार्केट की सेल्स को बढ़ाया जा सके। चौथा बेनिफिट, कस्टमर्स को कूपन डिस्काउंट और रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आपका जो सुपरमार्केट है उसकी सेल्स को बढ़ाया जा सके। पांचवा बेनिफिट, फेस्टिवल के टाइम पे ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट देते हैं, जिससे क्या होता है एक तो आपको ज्यादा कस्टमर्स मिलते हैं और उसकी वजह से आप ज्यादा पैसे कमा पाते हैं। छठा बेनिफिट, पोटेंशियल कस्टमर दिलाने में कंपनी आपकी पूरी हेल्प करती है। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे कि अगर हम ग्रोसरी फॉर यू के साथ जुड़कर अपना सुपरमार्केट शुरू करते हैं तो हम हमारे सुपरमार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। सो दोस्तों वो मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कंपनी आपको तीन मॉडल में फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करती है। सबसे पहला मॉडल है फोफो मॉडल, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। देखिए दोस्तों ये मॉडल उनके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है जो लोग ग्रोसरी इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर अपना खुद का सुपरमार्केट शुरू करना चाहते हैं, तो उनको इनकी फ्रेंचाइजी लेनी होगी लेकिन उनको अपने आउटलेट को खुद ही ऑपरेट करना होगा। पर दोस्तों कंपनी की तरफ से सप्लाई चेन का कंप्लीट सपोर्ट मिलने वाला है, मतलब जब भी प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे तो कंपनी टाइम टू टाइम बेसिस पे विदाउट एनी डिले उनको प्रोडक्ट पहुंचा देगी। दूसरा है फोको मॉडल, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। अब देखिए कोई ऐसा इंसान है जिसके पास पैसे बहुत ज्यादा है, वो कहीं पे बिजनेस कर रहा है या बड़ी जॉब कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है, तो सिंपली क्या कर सकता है, यहां पर एज एन इन्वेस्टर काम कर सकता है, वो पैसे लगा सकता है और सुपरमार्केट ओपन हो जाने के बाद में उस सुपरमार्केट को कंपनी मैनेज करने वाली है। तो दोस्तों आप यूं समझ लीजिए, अगर कोई भी खाली इन्वेस्टर बनना चाहता है, पैसे लगाना चाहता है और ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, तो वो इस मॉडल की फ्रेंचाइजी ले सकता है। तीसरा मॉडल है वेयरहाउस मॉडल। देखिए दोस्तों ये जो मॉडल है वो स्टार्टिंग के दोनों मॉडल से काफी बड़ा है, इसके अंदर आपको स्टोर ओपन नहीं करना है, यहां पे आपको वेयरहाउस ओपन करना होगा और कंपनी की जो सप्लाई चेन है उसको आप हैंडल करने वाले हैं। देखिए दोस्तों मान लीजिए अगर आपने वेयरहाउस ओपन कर दिया तो आपके आसपास के जो भी फ्रेंचाइजी आउटलेट्स होंगे वहां पर माल सप्लाई करने का काम आप करेंगे। तो दोस्तों आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इन तीनों में से किसी भी मॉडल की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप कौन से प्रोडक्ट्स अपने आउटलेट पे सेल कर पाएंगे, और साथ ही साथ में इन तीनों फ्रेंचाइजी मॉडल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में और भी समझ लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं फोफो मॉडल फ्रेंचाइजी के बारे में। इसको कंपनी ने नाम दिया है स्मार्ट मार्केट फ्रेंचाइजी, और अगर आप ये फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 500 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट की जगह होनी चाहिए, और इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के लिए फ्रेंचाइजी फीस है 275,000 रुपया प्लस GST। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की फीस होगी 55,000 रुपया पर लॉगिन का। इसके अलावा दोस्तों प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा और वो होगा 1500 रुपया। इसके अलावा इंटीरियर जो होगा वो कंपनी के अकॉर्डिंगली होने वाला है, और इंटीरियर में पर स्क्वायर फुट के हिसाब से चार्ज किया जाएगा और वो होगा 1200 रुपया। इसके अलावा दो सिक्योरिटी डिपॉजिट के अनडेटेड चेक आपको देने होंगे जिनमें अमाउंट लिखा होगा 5-5 लाख रुपए ईच। अब दोस्तों अगर आप इस मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप अपने आउटलेट पे इन सारी कैटेगरीज के अंदर प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी की तरफ से क्या क्या सपोर्ट मिलेगा वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग सपोर्ट, परचेसिंग सपोर्ट, ऑपरेशनल सपोर्ट, पैम्पलेट और होर्डिंग सपोर्ट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट सपोर्ट, स्टाफ ट्रेनिंग, टी शर्ट, कैप, ये सारी चीजें आपको कंपनी की तरफ से मिलने वाली है। इसके अलावा अगर मैं इनकम की बात करूं तो इस पर्टिकुलर मॉडल में आप अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। अब किस तरीके से कमा सकते हैं इसका कैलकुलेशन भी कंपनी ने बताया है, चलिए वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए हम एग्जांपल के हिसाब से लेते हैं कि आप जो स्टोर ओपन करने वाले हैं उसका स्पेस होगा 500 स्क्वायर फुट,
तो अगर आपके आउटलेट के ऊपर मंथली 15 लाख रुपए का सेल होता है, मतलब पर डे आपका सेल होगा 50,000 रुपया, तो आपका मंथली जो भी सेल है उस पर ऑन एन एवरेज अगर आपको 20% का प्रॉफिट मार्जिन भी होता है तो आपका टोटल इनकम हो जाएगा 3 लाख रुपया। इसके अलावा दोस्तों कंपनी आपको एक और ऑप्शन प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी और को सजेस्ट किया और उसने कंपनी की फ्रेंचाइजी ले ली तो कंपनी की तरफ से आपको 20,000 रुपए दिए जाएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए आपने 5 लोगों को सजेस्ट किया और उन्होंने फ्रेंचाइजी ले ली तो उससे आपकी इनकम होगी 1 लाख रुपए पर मंथ। इसके अलावा दोस्तों आपके आउटलेट के ऊपर जो टोटल सेल हुआ है उससे आपको 20% का प्रॉफिट मार्जिन हुआ है तो उससे इनकम हो गई 3 लाख रुपए पर मंथ, तो टोटल इनकम हो जाएगी 4 लाख रुपए पर मंथ। यहां पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, अगर कंपनी आपके स्टोर मैनेजर की सैलरी प्रोवाइड करती है तो आपको कंपनी को रॉयल्टी पे करना होगा 3% ऑफ टोटल सेल्स या फिर 25,000 मंथली, विच एवर विल बी मैक्सिमम, मतलब जो भी ज्यादा होगा वो आपको पे करना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर कंपनी स्टोर मैनेजर की सैलरी प्रोवाइड नहीं करती तो पर स्क्वायर फुट के हिसाब से कंपनी को आपको 10 रुपया एज ए रॉयल्टी पे करना होगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फोको मॉडल की फ्रेंचाइजी के बारे में। देखिए दोस्तों अगर आप इस मॉडल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 1,000 स्क्वायर फुट से लेकर 10,000 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंचाइजी फीस होगी 2,75,000 रुपए प्लस जीएसटी। इसके अलावा सॉफ्टवेयर फीस होगी 55,000 रुपया पर लॉगिन का। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी कॉस्ट इन्वॉल्व होंगे वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होगा 4,200 रुपया प्लस जीएसटी। इसके अलावा इंटीरियर का जो कॉस्ट होगा वो होगा 1,200 रुपया पर स्क्वायर फुट का प्लस जीएसटी। इसके अलावा प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होगा वो होगा 2,400 रुपया पर स्क्वायर फुट का। इसके अलावा ऑपरेशनल कॉस्ट होगा वो होगा 600 रुपया पर स्क्वायर फुट का प्लस जीएसटी। इसके अलावा जो एग्रीमेंट होगा वो 5 साल का होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, 2,400 रुपया पर स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको रिफंडेबल किया जाएगा जब आपका 5 साल का लॉकिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तब। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कंपनी की तरफ से क्या क्या चीजें मैनेज की जाएगी। देखिए दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था इस मॉडल के अंदर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, बाकी सारी चीजें कंपनी खुद मैनेज कर लेगी। तो यहाँ पे कंपनी रेंट खुद पे करने वाली है। अब मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, आपके फ्रेंचाइजी स्टोर का जितना भी साइज होगा उसका मैक्सिमम कंपनी जो पे करेगी वो पर स्क्वायर फुट का 50 रुपया हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपका 1,000 स्क्वायर फुट का जगह है तो कंपनी मैक्सिमम 50,000 रुपए तक रेंट पे करेगी। अगर उससे ज्यादा का अमाउंट होगा तो वो आपको पे करना होगा। उसके बाद में दोस्तों कंपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे करने वाली है, साथ ही साथ में आपके आउटलेट के ऊपर जितना भी स्टाफ काम करेगा उसको सैलरी भी कंपनी की तरफ से दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों स्टोर को ऑपरेट करने के लिए जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट होंगे, पेटी एक्सपेंसेस होंगे, वो भी कंपनी बेयर करने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कंपनी की तरफ से मार्केटिंग, प्रमोशन और एडवर्टाइजमेंट किया जाएगा ताकि आपका जो स्टोर है उसको बूस्ट किया जा सके और वहां का जो सेल है उसको बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही दोस्तों कंपनी विल डिस्प्ले वाइड रेंज ऑफ सेलेबल प्रोडक्ट इन द स्टोर। और इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, आपके स्टोर का जो इंटीरियर होगा वो भी कंपनी के द्वारा ही किया जाएगा। अब दोस्तों इस मॉडल में आप कितना पैसा कमा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कंपनी यहां पे भी आपको 2 ऑप्शन प्रोवाइड करती है पैसे कमाने के। सबसे पहला तो क्या है कि आपके आउटलेट के ऊपर जितना भी सेल होगा उसका 10% आपको एज अ कमीशन पे किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी को सजेस्ट करते हैं फ्रेंचाइजी लेने के लिए और वो फ्रेंचाइजी ले लेता है तो कंपनी की तरफ से आपको 20,000 रुपया पे किया जाएगा। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आपने 1,000 स्क्वायर फुट की जगह ली और आपकी जो मंथली सेल है वो है अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख रुपया, मतलब पर डे की सेल हो जाएगी 50,000 रुपया, तो 10% कमीशन के हिसाब से आपको 1.5 लाख रुपया कमीशन मिलने वाला है। अब दोस्तों अगर आप इस मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके आउटलेट पे कौन सी कैटेगरीज के प्रोडक्ट बिकने वाले हैं वो भी आप यहां पे देख पा रहे हैं। इसके अलावा कंपनी की तरफ से आपको और क्या क्या सपोर्ट मिलेगा वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि टीवी एडवर्टाइजमेंट, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट, रेडियो, पैम्पलेट, होर्डिंग का सपोर्ट, सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट का सपोर्ट, स्टाफ ट्रेनिंग, टी शर्ट, कैप, और अप्रॉक्सीमेटली इस मॉडल के अंदर आप 2 लाख रुपए से लेकर 8 लाख रुपए पर मंथ तक कमा सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वेयरहाउस मॉडल फ्रेंचाइजी की। देखिए दोस्तों अगर आप इस मॉडल की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपके पास कम से कम 3,000 स्क्वायर फुट से लेकर 5,000 स्क्वायर फुट की जगह होनी चाहिए। अब इसके अंदर आपका कितना इन्वेस्टमेंट जाने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इंटीरियर का कॉस्ट होगा 600 रुपया पर स्क्वायर फुट प्लस 18% जीएसटी। इसके बाद में प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा 3,500 रुपये पर स्क्वायर फुट जो कि रिफंडेबल होगा। इसके अलावा ऑपरेशनल कॉस्ट होगा 400 रुपये पर स्क्वायर फुट प्लस जीएसटी 18%। इसके अलावा दोस्तों टोटल इन्वेस्टमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4,680 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों इस मॉडल के अंदर आपको फ्रेंचाइजी फीस पे करनी होगी 4 लाख रुपए प्लस जीएसटी, और साथ ही साथ में सॉफ्टवेयर की फीस होगी 55,000 रुपए पर लॉगिन। मिनिमम 2 लॉगिन रिक्वायर होंगे और इसके अंदर जो एग्रीमेंट होगा वो 5 साल के लिए होगा, लॉगिन पीरियड भी 5 साल के लिए होगा। सो दोस्तों इन तीनों में से जो भी मॉडल आपको बेस्ट लगता है उस मॉडल की फ्रेंचाइजी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इन तीनों में से आप किसी भी मॉडल की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कंपनी का कहना है कि आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं वो लगभग 6 से 7 महीने में आपके रिकवर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप इनकी फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो उसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दिए हैं।
अगर आप फूफो मॉडल और फूको मॉडल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने ये पेज आ जाएगा, आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा और नीचे आपको क्लिक करना होगा अप्लाई नाउ के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पे जो फॉर्म दिया है इसमें आपको अपने डिटेल्स भर देने हैं, सेंड मैसेज पर क्लिक करना है। आपने जो भी डिटेल्स भरे होंगे वो सारे के सारे कंपनी के पास चले जाएंगे और उसके बाद में कंपनी की जो फ्रेंचाइजी डेवलपमेंट की टीम होगी वो आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी और आगे के प्रोसेस के बारे में गाइड कर देगी। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप वेयर हाउस मॉडल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको सेकंड लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये स्क्रीन आएगी, उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना होगा, अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है, फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पे अपने डिटेल भर देने हैं और सेंड मैसेज पे क्लिक करना है। उसके बाद में कंपनी की जो टीम होगी वो आपको आगे के प्रोसेस के बारे में गाइड कर देगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर नए कमाने के तरीकों के साथ।